अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हायर के ऑफिशियल स्टोर द डिजिटल हब रावली में और आपको आगे चल के वीडियो में लोकेशन भी बताता चलूँगा। और आज आपके लिए एक हायर की लेटेस्ट फ्रिज लेकर आया हूँ। और ये जो रेफ्रिजरेटर है ना, इसमें कुछ काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं जो कि दूसरे फ्रिजेस में हमें अमूमन नहीं मिलती। और आज की वीडियो में आपको इसके फीचर्स वगैरह के बारे में और कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो बताऊँगा प्राइसिंग वगैरह के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूँगा चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है ये वाली जो फ्रिज है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी आगे भी हैं बट वो भी ऑलमोस्ट न्यू मॉडल्स हैं, बट इस वक्त ये जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है ना वो ये वाली फ्रिज है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी लुक में आती है। आप बीच में से आपको ऑलमोस्ट पूरा जो स्टोर है ना, हायर का जो स्टोर है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो लोकेशन के बारे में आपको बताता चलूँ तो मेन GT रोड रावली पे है हायर का ऑफिशियल स्टोर द डिजिटल हब के नाम से। आपको ऑलमोस्ट अपोजिट साइड पर इसके मिलता है DC क्लोनी का सेकंड गेट, उसके ऑलमोस्ट आप ऑपोजिट कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट ऑफ ऑल आप लुक देखेंगे, आपको कंप्लीट ब्लैक कलर का इसका जो डोर है ना वो मिलता है, फुल ब्लैक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग मिलती है क्योंकि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसकी साइड पर एक डिज़ाइन इस साइड पर बनाया गया है, नीचे वाली साइड पर फ्लावर बनाया गया है और नीचे वाली साइड पर इसकी जो कलर की जो शेड है ना वो चेंज हो जाती है, आपको ऑलमोस्ट रेडिश टोन आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इन्वर्टर मेंशन नज़र आएगा, इट्स मीन ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसके अलावा यहाँ पे हायर की ब्रांडिंग है, उसके बाद नीचे वाली साइड पे इसका जो हायर का डिजिटल जो डिस्प्ले होता है ना वो आपको मिलेगा, जो कि आपको ऑलमोस्ट ऑफ हायर की जो सभी फ्रिजेज हैं ना उनमें मिलता है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये है इसका हैंडल ओपनर, यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। ये आपको एक स्ट्रिप मिलती है काफ़ी खूबसूरत सी, यहाँ पे सिल्वर की स्ट्रिप है। ऊपर फ्रीज़र को आपने यहाँ से और फ्रिज को आपने यहाँ से ओपन करना है। और अब देखेंगे, स्टार्ट करते हैं कंप्लीट प्रॉपर वीडियो। तो देखेंगे यहाँ पर 10+3 ईयर्स की इसकी वारंटी है, 10+3 मतलब 10 ईयर्स कंप्रेसर की और 3 ईयर इसकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी है। हायर की ब्रांडिंग है और यहाँ पर आप टेम्परेचर जोन जो है ना यहाँ पर आपको शो करेगा कि इस वक्त टेम्परेचर किस जोन का मतलब बता रहा है, मतलब फ्रिज का या फिर फ्रीज़र का। यह आ जाएगा टेम्परेचर सेट जो है ना, यहाँ से आप टेम्परेचर देख सकते हैं कि फ्रीज़र का कितना टेम्परेचर है, इसमें फ्रिज का कितना एडजस्ट कर सकते हैं। फंक्शन सेट से भी आप इसका जो फंक्शन है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लॉक मोड है, नीचे ही ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है ताकि कोई बच्चे वगैरह इसको ना मतलब छेड़ सकें, इसके मोड्स वगैरह ना हिला दें। और 3 सेकेंड जो है ना इसको आपने प्रेस करना है लॉन्ग प्रेस, तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। मतलब लॉक सिर्फ और सिर्फ इसका पैनल होगा, फ्रिज नहीं होगी, ये चीज़ क्लियर कर लूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन है, यहाँ पे हायर की ब्रांडिंग है, यहाँ पे आपको मेंशन मिल रहा है कि डिजिटल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी है, रियल फ्रेशनेस एक्सपर्ट है ये, ऑलवेज 2 टाइम्स फ्रेशर, प्रिसाइज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, और लेस दैन 1 यूनिट अ डे इसकी पावर कंजप्शन, मतलब एक दिन में 1 यूनिट से भी कम पावर कंजप्शन है इसकी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी है। इसके बाद नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं इसमें 4 सेंसर हैं, उसके बारे में भी आगे चल के आपको बताऊँगा। और इन्वर्टर जो कंप्रेसर है ना उसकी 2nd जनरेशन है इसमें। उसके बाद ऑपरेशन आप इसका देख सकते हैं, 105 वोल्ट से 260 वोल्ट तक इसका ऑपरेशन है। मतलब अगर आपके वोल्ट्स कम है ना, 105 से लेकर 260 या फिर ज़्यादा है 260 तक ये प्रॉपर वर्क करेगी। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इसमें स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी दी गई है। अब इसको ओपन करते हैं और अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप इसका डोर ओपन करेंगे, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपको इसके अंदर जो फ्रीज़र का साइज़ है ना वो भी ठीक मिलता है, अच्छा फ्रीज़र का साइज़ है। तो इसके अंदर वायर्स यूज़ की गई हैं बट काफ़ी सॉलिड है ये, ग्लास में भी होते हैं कुछ मॉडल्स बट वो डिफरेंट मॉडल हैं। इसके अंदर हमें जो वायर की जो शेल्स हैं ना वो मिलती हैं। तो आप साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलती हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है सेंसर, अब एक ये सेंसर है, इसके अलावा एक इसके फ्रंट डोर में होता है, इसकी बैक साइड भी होता है, और इसके अलावा नीचे इसके 4 सेंसर्स होते हैं। जब ये ऑटोमेटिक मोड पे होती है ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट सेंस करके टेम्परेचर को एडजस्ट कर देती है अपने हिसाब से और अंदर देख के मतलब अपना टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। अच्छा, इसके बाद 5-way वेपोरेटर है ये, मतलब इसके नीचे वाली साइड पर, दोनों साइड्स पर, ऊपर और बैक पे, 5 जो इसकी 5 जो साइडें हैं ना वहाँ पे इसकी जो बर्फ़ है ना वो जमेगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, इसके जो पाइप्स होते हैं ना जो उनसे, वो कम्प्लीटली हिडन है, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, आपको मतलब कोई ख़तरा नहीं है। अक्सर होता है ना कोई नुकीली चीज़ लग के तो शायद लीक ना हो जाए, ऐसा भी कोई सीन नहीं है इसमें। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हर फ्रिज में ऑलमोस्ट होना चाहिए। और अक्सर लोगों का कंसर्न होता है कि भाई ये कूलिंग कम करेगी, लेकिन ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम इसके डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बॉटल गार्ड
देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मटेरियल में आपको इसकी जो शेल्फ है ना वो मिलती है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये ASP, ये जो टेक्नोलॉजी है ना इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। एंटी बैक्टेरियल होती है एक्चुअली, ऊपर वाली साइड पर भी आप देख सकते हैं ये चीज़ है। अब ये जो टेक्नोलॉजी आपको फ्रिज और फ्रीजर दोनों में मिलती है, अक्सर हमारे जो फूड आइटम्स है ना उसमें एक टाइप होती है बैक्टीरिया की, वो रह जाती है, तो बट ये जो फ्रिज है ना उसको अपनी एयर के थ्रू क्लीन कर देगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है आपकी सेहत के लिए भी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं अंदर वाली साइड से इसमें आपको शेल्फ्स मिलती हैं, जो कि 4 शेल्फ्स हैं, और उसके अलावा नीचे वाली साइड पे आपको एक ग्लास की शेल्फ मिलती है, जो कि आई थिंक 120 kg तक ये क्लेम करते हैं कि ये वेट जो है ना बर्दाश्त कर सकती है। तो अंदर वाली साइड पर पहले आपको दिखाता चलूँ इसके, आप देख सकते हैं इसके भी जो कूलिंग है ना वो काफ़ी नीचे तक होती है, बट इसके अंदर आपको कोई भी जो पाइपिंग शाइपिंग है ना वेपोरेटर्स वगैरह जो इसके नज़र नहीं आ रहे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऊपर वाली साइड पे आपको काफ़ी लंबी स्ट्रिप में LED की लाइट मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, वाइट LED लाइट होती है इसके अंदर। यहाँ पे कुछ इसकी कॉशंस हैं, यहाँ पे लाजमी रीड आउट कर लेना है। और इसके अलावा इसके अंदर बिल्कुल यही है, क्योंकि इसके जो सभी जो कंट्रोल्स हैं वो इसके टच पैनल में है, इस वजह से इसके अंदर आपको कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं मिलती, काफ़ी आपको एक क्लीन लुक मिलती है। इसके बाद नीचे वाली साइड पे आप देखेंगे आपको एक बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का बॉक्स है। इसकी जो डेप्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अब डेप्थ ज़्यादा होने की रीज़न ये है कि इस साइड पे नीचे वाली साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, नीचे वाली साइड प्लेन है, तो आपको ऊपर वाली साइड पे इसकी कुछ शेल्फ्स मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं इसके डोर में, और ये तीनों एक ही जैसी हैं। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यही टेक्नोलॉजी मिलती है, जो एंटी बैक्टेरियल है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये एक टाइप होती है बैक्टीरिया की जिसको किल कर देती है। और उसके बाद इसके अंदर आपको एक्सट्रे और जो आइस ट्रे है ना वो मिलेगी, और इसके अंदर एक स्क्रैपर मिलेगा, आइस क्यूब ट्रेस मिलेंगी दो। इसका जो मॉडल है ना ये आप देख सकते हैं HRF 438IARA। अब ये इसमें 438 है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें अब लेटेस्ट साइज़ आया है 538। एक 338 होता है, 438 होता है, एक 538 आया, जो कि इसका अभी तक इस कैटेगरी की फ्रिजेस में सबसे बड़ा साइज़ है, जो कि इससे भी बड़ा होगा। तो इसके अगर मैं आपको आज की प्राइसिंग के बारे में बताना चाहूँ, इसकी आज की जो प्राइस है ना 1,13,000 रुपये, 1,13,000 रुपीज़। और ये मैं आपको रिपीट कर दूँ कि ये आज की प्राइस है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब इसकी प्राइसेस जो हैं आपको पता है डॉलर की वजह से ज़्यादा होती रहती हैं, तो कम तो नहीं हो रही, नहीं तो मैं आपको ज़्यादा कम कह देता। तो सर अभी किसकी प्राइस ये है, बाकी लेटेस्ट प्राइस के लिए आप कॉल कर सकते हैं हायर के ऑफिशियल स्टोर द डिजिटल हब पे, और आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। तो बाकी लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए आप यहाँ पे हायर द डिजिटल हब पे आके आप विज़िट कर सकते हैं, यहाँ तो फिर आप कॉल करके दिए गए नंबर पे आप मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह।